हाईवे पर लखनऊ का सफर हुआ महंगा, अब यहां भी देना पड़ेगा टोल टैक्स, जानिए दरें। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर फरीदपुर टोल प्लाजा शुरू हो गया है। अधिकारियों ने फीता काटकर फरीदपुर टोल का उद्घाटन किया। टोल से गुजरने वाली पहली गाड़ी का पूजन किया गया। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली से लखनऊ का सफर महंगा हो गया है, अब फरीदपुर में टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक बरेली से लखनऊ तक सीतापुर जिले के खैराबाद और लखनऊ के इंटौजा में टोल है। तीसरा टोल बुधवार को सुबह 8 बजे से फरीदपुर में शुरू हो गया। अब एक दिन में 12,000 से अधिक टोल देकर गुजरना पड़ेगा। चौथा टोल लखीमपुर जिले के मैगलगंज में प्रस्तावित है, जो इस वर्ष के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। फरीदपुर टोल प्लाजा पर वसूली के लिए जरूरी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए थे। 3 महीने के लिए टोल वसूली करने की जिम्मेदारी NHAI ने निजी कंपनी को सौंपी है। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि सेवाएं संतोषजनक होने पर एक्सटेंशन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 12,000 वाहन टोल से गुजरने का अनुमान है। टोल प्लाजा से गुजरने वाली पहली गाड़ी का पूजन किया गया। चालक को मिठाई खिलाकर टोल टैक्स वसूला गया। इन लोगों को 330 रुपए में मिलेगा पास। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को 330 रुपए महीने में पास मिलेगा। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर BP पाठक ने बताया कि अगर आपका गांव टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में है तो निवास होने के साक्ष्य के साथ वाहन की RC लगाकर फास्ट्रैक का पास प्राप्त कर सकते हैं। वाहन और गाँव के निवास का प्रमाण पत्र जिसके नाम होगा फास्ट्रैक, उसी के नाम पर जारी हो सकेगा।